कहानी 32वीं। यीशु बुरी आत्मा ते आदमियों जो और एक बीमार औरता जो ठीक करा। यीशु और तीसरे चेले अपनी नावा च तीस जगह जो गए जिथी गिरासेनी लोग रहा थे। से तिथि पहुंची के किस्ती अते उतरी गए। तिथि एक आदमी था जो बुरी आत्मा रिया चपेटा च था। से आदमी इतना ताकत वाला था भी तिसो कोई भी नहीं संभाले सकता था। कई बार लोगों ने तिसो संगड़ा कने भी बनया पर से तिना जो भी तोड़ी देन था। से आदमी तिथि कब्रा च रहा था। से आदमी पूरी राती और पूरे दिन चिंगा था। से कपड़े नहीं पहनता था और आपू जो पत्थरा कने मारा था। से आदमी दौड़ी के यीशु के गया और तीसरे सामने झुकीगा। तब यीशु ने तीस आदमिया रे अंदरा ते बुरी आत्मा कने बात की और बोलिया, इस आदमिया ते बाहर निकल जा। से बुरी आत्मा जोरा कने चिंगी, हे यीशु परम प्रधान रे बेटे, तेरा माँ कने क्या काम, हाथ जोड़ के अर्जी मिंजो मत तंग कर। तब यीशु ने तिसा बुरी आत्मा ते पूछा, तेरा नाम क्या? तीने बोलिया, मेरा नाम सेना, असे बहुत है। रोमी सेना च कई हजार सैनिकारा एक समूह था, तिसो सेना बोलना थे। तीने बुरी आत्मा यीशु ने बोलिया, असा जो इत्ते जगह ते बाहर नहीं भेजो। तिथि नेड़े ही पहाड़ा पर सुनारा एक झुंड चरने लग रहा था। इत्ते खतर तिने यशु जो बोलिया, भई असा जो इना सूरज भेजी दो। यशु ने बोलिया, ठीक आ, इना च चली जाओ। तब से बुरी आत्मा तीस आदमी ते निकली के तिना सूरज चली गया। से सुमर दौड़ी के एक टिल्ले पराते नदिया च छलांग मारी थी और मरी गए। तीस झुंडा च 2000 सूर थे। तिथि तिना सूरारी देखभाल करने वाले लोग थे। जो कुछ तिथि हुआ जब तिने देखा तो उसे नगरा जो नठिए। यशुआ ने जो कुछ किया तिने सभी जो बताया। तीसा नगरा रे लोग बाहर आई गए और तीस आदमी जो देखा जिस आदमी च बुरी आत्मा थी। से चुपचाप कपड़े पहनी के एक सोना आदमी बन के और आम आदमी ऐसा ही लगने लग रहा था। से लोग बहुत डरी गए और तिने यशुआ जो जाने जो बोलिया। तब यशु किस्तिया पर चढ़ गया। से आदमी जिसो बुरी आत्मा थी तिने यशुआ कने जाने जो बोलिया। पर यशुआ ने बोलिया, ना आऊं जहाँ भी तू घर आ जाए के सभी जो बता भई परमेश्वरा ने माँ खतर क्या कित्या। तिना जो बता भई परमेश्वरा ने किया माँ पर दया कीती। इत्ते खतर से आदमी चलीगा और सभी जो इत्ते बारे च बताया जो यीशुआ ने तिस खतर कित्या। तीसरी बात सुन के सारे आदमी हैरान हुए। यीशु नदिया रे दूजे किनारे जो आएगा। तिने तिथि पहुँचने ते बाद तिथि बहुत सारे लोग तीसरे ओरे परे कट्ठे हुई गए। तिना लोका रे बिचे एक औरत थी जो 12 साल ते खून चलने री वजह ते बीमार थी। तिसे अपनी सारी जमा पूंजी अपने लाजा च लगाईती थी भई से तिसा जो ठीक करी सको, पर तिसारी बीमारी और भी बिगड़ी गई थी। तिसे सुनी रहा था भी यीशुआ ने कई बीमार लोका जो ठीक कीतरा। आऊँ सोचा इंजे मैं यीशुआ रे कपड़े ही छुई ले तो आऊँ ठीक हुई जानी। तब से यीशुआ रे पीछे ते आई और तीसरे कपड़े छुई ले। जिया ही तिसे से छुए तीसरा खून चलना बंद हो गया। तीसरे टाइम यीशुआ जो पता लगेगा भई तिस ते शक्ति निकल रही। इत्ते खतर तिने पीछे मुड़ के पूछा, मिंजो किने छुया? चेलिया ने बोलिया, इत्थी इतने सारे लोग है जिन्हें तेरे चारों तरफा ते घेरा पायरा और धक्का मुक्की होने लग रही, तो ते कौ पूछया भी मिंजो किने छुया। से औरत यीशुआ सामने कांबी गई और डरी के यीशुआ रे सामने झुकी के बैठी गई। तब तिसे यीशुआ जो बताया भई तिसे क्या कित्या और ए भई से ठीक हुईगी। यीशुआ ने तीसा जो बोलिया, तेरे भरोसे ने तिजो ठीक कित्या, आरामा कने जा।